असलम एंड वेरी गुड मॉर्निंग आज हम बात करेंगे मनी की और बैंकिंग की तो जब हम मनी की बात करते हैं तो बेसिकली वी आर डिस्कसिंग अबाउट इट्स अ टर्म बेसिकली विच इज़ जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीन्स ऑफ पेमेंट इसका क्या मतलब हुआ इसका मतलब ये हुआ कि वेन वी टॉक अबाउट मनी इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग थिंग विच इज़ एक्सेप्टेबल जब तो एक्सेप्टेबिलिटी एक्सेप्टेबिलिटी की बात करेंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि जनरली एक्सेप्टेबल एवरीवेयर यह सब जगह एक्सेप्टेबल है मिसाल के तौर तो पे डॉलर अब डॉलर से इफ यू वांट टू बाय द प्रोडक्ट इन पाकिस्तान यू कैन बाय द प्रोडक्ट्स इन पाकिस्तान इन सम मार्केट्स एज वेल बट समाइम सपोज टू मेक द चेंज आई मीन यू आर सपोज टू एक्सचेंज द करेंसी करेंसी भी एक्सचेंज करनी पड़ती है आपको ठीक है अच्छा जब हम मनी की बात करते हैं तो वी शुड अंडरस्टैंड दैट इन मनी वी डिस्कस अबाउट करेंसी नोट्स एंड द कोइंस करेंसी नोट्स की बात भी होगी और कॉइंस की बात भी होगी ठीक है करेंसी नोट्स जो होते हैं वो स्टेट बैंक की जिम्मेदारी होती है स्टेट बैंक इज़ सपोज टू पब्लिश प्रिंट एश से पब्लिश नहीं होता पब्लिश जो होती है वो बुक्स होती हैं प्रिंट होते हैं प, जो नोट्स होते हैं आपके और कोइंस जो हैं उनको भी इशू करते हैं और ये दरअसल क्या हुआ तो बॉटम लाइन क्या बनी कि मनी इज़ बेसिकली ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज अच्छा पोर्टेबल होता है ये पोर्टेबल का क्या मतलब हुआ यू कैन कैरी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस यू कैन कैरी द मनी यानी कि अगर आपको यहाँ से लेके जाना अब आज के ज़माने में तो आपको पता है यू नो द चेक्स आर अवेलेबल क्रेडिट कार्ड्स आर अवेलेबल क्रेडिट कार्ड्स आर ऑल्सो नॉन एज प्लास्टिक मनी ड्यूरेबल होती है पैसा जो है ड्यूरेबल होता है इसका मतलब ये हुआ Uh, हमारे पास यू सी वन वी टॉक अबाउट ड्यूरेबिलिटी तो मेरे जहन में एक कॉन्सेप्ट आता है कि देर टू टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स जिसको हम कहते हैं कंज्यूमर गुड्स एंड नॉन कंज्यूमर गुड्स कंज्यूमर गुड्स के अंदर आ, वो जो होती है आपकी एक होती है फ़ास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स एफ एम सी जी जैसे मिसाल के तौर तो पर आइस आइस को यहाँ रखेंगे तो वो मेल्ट हो जाएगी लेकिन अगर मेरे जो ग्लासेज हैं ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर प्रोडक्ट नहीं है बिल्कुल उसी तरीके से पैसे को जब हम रखेंगे तो पैसा मेल्ट नहीं हो जाएगा तो इसका मतलब वो ड्यूरेबल होता है बाद अवकात ऐसा होता है कि गवर्नमेंट सम गवर्नमेंट मेक सम पॉलिसीज़ एंड ड्यू टू पॉलिसीज समटाइम्स सम मेक ए चेंज इन सच अ वे दैट दे से ओके फाइन वी आर डिसकिन्यू दीज टाइप्स ऑफ नोट्स तो वो ऐसा भी होता है अच्छा डिविजिबिलिटी का क्या मतलब होता है कि बेसिकली करेंसी नोट अगर सौ रुपये का नोट जो है उसको हम दस दस रुपये के कितने नोटों में हिस्से में तकसीम कर सकते हैं हम दस नोटों में तकसीम कर सकते हैं सो so, ये क्या है ये डिवाइड हो गया नोट हमारा ठीक है स्केयरसिटी द कॉन्सेप्ट ऑफ स्केरसिटी इज़ बेसिकली फ्रॉम इकोनॉमिक्स द रिसोर्स आर स्केर्स सिमिलरली द मनी इज़ ए स्केर्स रिसोर्स इसको लिमिटेड सप्लाई में रखा जाता है अगर किसी कंट्री का बैंक अगर प्रिंट कर देगा करेंसी uh, नोट्स को विदाउट एनी रीज़न जिसका मतलब क्या होगा कि बेसिकली उस कंट्री में इन्फ्लेशन आ जाएगा क्योंकि जब हम करेंसी नोट हम समुराधे स्टेट बैंक या सेंट्रल बैंक जब वो प्रिंट करता है तो उसके अगेंस्ट में उतना ही वो अपने पास क्या रखता है गोल्ड रखता है या डॉलर्स uh, 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 की सूरत में वो अपने पास रिजर्व रखता है सो so, हमने जो बेसिकली देखा वो क्या देखा कि मनी में कैरेटिस्टिक्स क्या है एक्सेप्टेबिलिटी होती है पोर्टेबिलिटी होती है ड्यूरेबिलिटी होती है डिविजिबिलिटी होती है और स्केर्सिटी होती है ये हैं हमारे पास मनी के आ, जो फैक्टर्स थे ये हमें समझने चाहिए ठीक है थैंक यू वेरी मच विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड दैट्स अबाउट बैंकिंग। बैंकिंगकम